ऑनलाइन इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूला। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूला से, क्योंकि इससे पहले हमने लुकअप फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था और लुकअप फॉर्मूले को हमने अच्छी तरह सीखा था, उससे रिलेटेड टेस्ट वगैरह भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट फॉर्मूला, टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला इसमें आता है, दो फॉर्मूले हैं। जैसे कि किसी भी लेटर को आप लिखते हैं तो हमारे पास एक कोड का फॉर्मूला होता है। कोड का फॉर्मूला क्या करता है, उसको कोड में कन्वर्ट करता है। मतलब कि हर एक लेटर का, चाहे कैप्स हो स्मॉल हो, एक अलग अलग एक स्काइप वैल्यू होता है। इसको स्काइप वैल्यू कहते हैं, एक स्काइप वैल्यू होता है, ठीक है। और वापस इसको हम कैर से उससे लेटर अलग कर सकते हैं। तो कैर और कोड दो फॉर्मूला होता है, कैर से कोड एंड कोड से कैर को करने के लिए। अब इसका क्या यूज है हम अभी आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पे अगर यूसुफ जी आप एक से ठीक है लिमिट हो गया, हाँ। तो अब इसका आगे यूज बताएंगे आपको अभी थोड़ी देर में। उससे पहले एक और फॉर्मूला है, वो है ट्रीम का, ट्रीम एंड क्लीन का। जैसे कभी कभी हम कुछ नाम लिखते हैं, सुजीत लिख दिया और काफी ज्यादा स्पेस दे दिया, तो इनके बीच के जो अनवांटेड स्पेस है उसको रिमूव करना है। तो अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए हम लोग ट्रीम का फॉर्मूला लेते हैं। अनवांटेड स्पेस क्या है, क्या करता है कि अगर आप मान लीजिए आपने स्पेस के साथ लिखा, जैसे सुजीत मैंने लिखा, कुछ फालतू स्पेस देंगे, या फिर हमने लिखने के बाद कुछ फालतू स्पेस दे दिया, तो ऐसे को क्लीन कर देता है, अरे ऐसे अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर देता है। ये स्पेस रिमूव नहीं करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। एक सेकंड निकिता का फोन है। बिकिन बैच थोड़ा सा आगे है, फॉर्मूला चल रहा है, ले रहा है उसको, वो 8-7 में स्टार्ट होता है, 8-7 के बीच में चल रहा है अभी। हाँ, स्टार्ट चल रहा है, बैच चल रहा है, ठीक है। मीटिंग आईडी भेज दे रहा हूँ, गो टू मीटिंग से ज्वाइन होगा, मैं आईडी दे देता हूँ, गो टू मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। सॉरी सर। तो अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है, लेकिन कभी कभी जब हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, कभी कभी जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो दिक्कत क्या होता है, जो हमारे पास जो डेटा होता है उसमें स्पेस नहीं होता है, उसमें स्पेस नहीं होता है। जैसे कि यहां पे हमने दिया सुजीत, ऑल्ट एंटर कुमार। तो इसमें मैं फॉर्मूला अगर ट्रिम लगाता हूं तो ये चीज देखेंगे कि सुजीत कुमार इकट्ठे आ रहा है। लेकिन अगर आप लेन का फॉर्मूला लगा, लेन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका लेंथ बताता है। लेन का फॉर्मूला लेंथ बताता है कि जो सुजीत कुमार है उसका लेंथ क्या है। इसने लेंथ, इसका लेंथ मुझे दिया, इसका लेंथ जो है वो 12 है, ओके। लेकिन आप इसको मैनुअली काउंट देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें 11 ही करेक्टर है। तो टी और के बीच में एक हिडन करेक्टर है, टी और के बीच में एक हिडन करेक्टर है, जिसको हम लोग नॉन प्रिंटेबल करेक्टर कहते हैं। कैसा करेक्टर, इसका वजूद तो है बट वो प्रिंट में नहीं। तो ऐसे करेक्टर को हम लोग क्लीन से क्लीन कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब क्लीन कीजिएगा तो देखिएगा अब 11 हो गया। तो क्लीन से ऐसे करेक्टर को हम लोग क्लीन कर देते हैं। तो यहां पे हमने बताया कि अगर स्पेस है तो ट्रीम से अलग होता है, लेकिन अगर आपने रैप टेक्स किया हो, रैप टेक्स ऑल्ट एंटर कर देते हैं, वाटर समय यहां से ऑल्ट एंटर, ऐसे
कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए क्लीन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर क्लीन ने तो फिर सेपरेटर हटा दिया फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का, तो मुझे क्लीन से क्लीन लगा के नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को क्लीन नहीं कर डिलीट नहीं करना है, मुझे उसके जगह पे स्पेस देना है, मतलब कि किसी कैरेक्टर को किसी अनोदर कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस तरह से 1239634563 ये नंबर्स है, मुझे इसको क्लीन इसमें इसमें ये करना है सब्स्टिट्यूट करना है इसको इस टेक्स्ट को ओल्ड टेक्स्ट मतलब कि डॉट डैश, ठीक है, जितने भी इसके डॉट्स हैं वो डैश में कन्वर्ट हो गए, जितने भी डैश थे वो डॉट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है सर, लेकिन इसमें एक इंस्टेंस नंबर है, लास्ट में देखेंगे इंस्टेंस नंबर ये क्या करता है, अगर मैं वन कर दिया तो सिर्फ वन को पहले वाले ही को ये करेगा, अगर मैंने इसमें टू कर दिया तो सिर्फ दूसरे वाले को करेगा। अब कुछ नहीं किया तो सबको करेगा, तो डॉट का इस्तेमाल इस चीज के लिए किया जाता है। सर एक सवाल था, ये क्लीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? क्लीन का इस्तेमाल जैसे कि कहीं सब डेटा कॉपी करके लाते हैं ना, तो बहुत फाइल्स वगैरह में डेटा या भी बहुत सारे ऐसे डेटा जो रहता है कि वो स्पेस से नहीं रैप से रैप्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ना रैप्ड था, तो रैप्ड का कैरेक्टर होता है क्योंकि नॉन प्रिंटेबल होता है। सुजीत कुमार यहाँ दिख रहा है सर, अगर मैं यहाँ हूँ सुजीत कुमार इकट्ठे, अब इसमें क्या है कि रैप किया हुआ है, इसमें रैप नहीं है, तो दोनों आपके बराबर नहीं हो सर। तो यहाँ से वी लुक का कंडीशन वगैरह तो मैच नहीं करेगा ना सर, ना तो वहां पे हम देखेंगे कि भाई लेन लगाए काउंट के देख लेते हैं और मैनुअल काउंट कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ इसमें कोई नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, तो क्लीन से इसको क्लीन कर देते हैं, और इसे क्लीन से क्लीन कर दिया अब दोनों आपस में बराबर होंगे। अच्छा, अगर एरर आए तो उसको फिर देखना पड़ेगा। बिल्कुल करते हो, ठीक है ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी कैरेक्टर को अनदर कैरेक्टर से रिप्लेस करने के लिए, जैसे कि मैं डॉट को डैश किया, कैरेक्टर हो सेंटेंस हो किसी भी को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक रिप्लेस का फॉर्मूला आता है, रिप्लेस क्या करता है के अंदर में, अगर मैं बता दिया स्टार्ट नंबर वन, मतलब कि इसमें सब्स्टिट्यूट तो कैरेक्टर के हिसाब से चलता है, ये चलता है आपके पोजीशन के हिसाब से कि चौथे नंबर से मुझे एक लेटर को रिप्लेस करने नंबर से एक लेटर को रिप्लेस करना है, और किससे तो डैश, देखिए इसने चौथे को रिप्लेस कर दिया, डैश तो सही था, मुझे इसको स्लैश कर देना है, तो रिप्लेस करेक्टर के हिसाब से चलता है। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम आ गई कि मुझे इसमें से रैप टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, तो अब मैं सब्स्टिट्यूट के अंदर लगाया कि करेक्टर को करना है इसको, अब ओल्ड टेक्स्ट में क्या डालें, ओल्ड टेक्स्ट में मैं ऑल्ट एंटर डालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी सर ना। यहां पर मैं इस मेथड का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हम जानते हैं कि हर लेटर का एक स्काई कोड होता है, तो मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाता हूँ कोड का तो मुझे पता चलता है कि इस लेटर का कोड क्या है,
उसके बाद कोड जो है 10 है, ओके। तो मैं यहां से क्लीन करता हूं तो एक क्लीन हो जाता है, तो एक माफ कीजिए कैर कैर करना, कैर करने से मुझे वापस लीटर मिलेगा, वापस में बराबर कर देते हैं तो आपको बराबर। तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट के अंदर में इसको सिलेक्ट किया और ओल्ड टेक्स्ट में देता हूं कैर, ओल्ड टेक्स्ट में कैर दे दिया और फिर कॉमा हम बोलते हैं कि इसको स्पेस कर, ठीक है। तो हमने कैर 10 को स्पेस से हटा दिया, जब करेंगे जब रैप में होगा, जब कोई टेक्स रैप में होगा तब करना पड़ेगा इसको सामने को, या किसी भी कर सकते हैं। आपको ऐसा कोई ऐसा करैक्टर, ऐसा कोई करैक्टर मिले जिसके लिए आपके पास उसका ये नहीं पता हो आपको कि इसका कोड ए क्या है, कोड क्या है, मतलब आपको अगर मान लीजिए कोई ऐसा लेटर आया उसमें ऐसे कुछ करैक्टर है जिसको आप टाइप नहीं कर सकते हो तो सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे। जैसे कि इसकी मान ये जो है कोई लेटर तो है नहीं, सिंबल है ना, सिंबल है क्या, तो आपका आप लेन लगा के देखिए आपको पता चल जाएगा कि एक मतलब कि ये लेटर करेक्टर तो है आखिर कंटेन हो रहा है। अब मैं इसमें कोड के अंदर में जानूंगा इसका कोड क्या है, इसका कोड 128 है। कोड से क्या बना सर यहाँ पर 128 कोड पता चल गया। अच्छा तो अब मैं कैर के अंदर में 128 डालूंगा तो इस तरह का संबल आएगा, होता है आया, ठीक है ना। तो अब कहीं इसको रिप्लेस वगैरह करना होगा तो हम 128 को लेके चलेंगे, कैर के अंदर 128 डालेंगे और सेम चीज आएगा कर देगा, तो 128 डालेंगे तो उसका वो आ जाएगा। तो जैसे मान ऐसा कुछ है क्या होता है ना कि आपके डेटा मिलता है उसमें इस तरह के कुछ सैंपल्स होते हैं, तो एक बार तो हमारे एक और एग्जांपल से करा दे तो क्लियर हो जाएगा, या इसको थोड़ा सा सर सर कुछ बोले सर, मैं कह रहा इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे इसी को एक सिंबल के थ्रू कैर को, इसमें इसकी इसकी एग्जांपल को हम आपको आगे के फॉर्मूला में इसको अच्छे से समझाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है ठीक ठीक है ना, ये कोई बड़ी फॉर्मूला नहीं है। अब इसमें हमने अभी सब्स्टिट्यूट के बारे में सीखा कि सब्स्टिट्यूट हमने बताया आपको कि हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं, कोड का और कैर का भी इस्तेमाल हम करते हैं कई सारे जगहों पे। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला जो हमारा आता है वो आता है इसमें, अब देखते हैं क्या फॉर्मूला है हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला में, तो टेक्स्ट में कॉनकैटेनेट। अब दो टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन करना हम आपको सिखाते हैं, तो यहाँ पे दो टेक्स्ट में सुजीत है और यहाँ पे कुमार है, तो इसको आप तरीके से जज सकते हो। पहला तो यहाँ पे आप कॉनकेटानेट फॉर्मूला लगा सकते हो और कॉनकेटानेट से आप एक एक देंगे तो इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। अगर इसमें कोई सेपरेटर देना है जैसे कि स्पेस वगैरह तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में आप दीजिए और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है एम्परसेंड के सिंबल से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से एम्परसेंड का सिंबल लगाया सर। इसी में एक सवाल था, ये कॉन्टिनेंट जो है इसमें अगर ये तो भी कॉलम में था ना, तो जब हम किसी उससे पीडीएफ वगैरह से कॉपी करके लाते हैं वहां पर एक्सेल में तो वो रोज में काफी रोज में आ जाता है। अब मैं बताता हूं, उससे ही बताता हूं, तो दो तरीका है हमारे पास। तीसरा 2000 अगर 19 आपके पास है तो दूसरा दो फॉर्मूले और है, एक कॉन्केट फॉर्मूला। 2019 तो नहीं है सर, नहीं कॉन्केट फॉर्मूला इसमें नहीं आ रहा है। एक फॉर्मूला होता है कॉन्केट का, दूसरा होता है टेक्स्ट जॉइन का, दो फॉर्मूले पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है।
डाउनलोड इसको अपडेट करूंगा तो अपडेट होते आ जाएगा सर। वो ट्रांसपोज के थ्रू भी आता है ना सर? नहीं ट्रांसपोज से तो ट्रांसपोज होता है, मतलब कि वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में हो जाता है। अच्छा नहीं, कॉन्केट के साथ मैंने देखा था ट्रांसपोज भी करके लगाते हैं तो साथ हो जाता है, पता नहीं। क्या बोल रहे? मैं कह रहा हूँ वो कॉन्क्रीट के साथ एक और ट्रांसपोज भी लगाते हैं ना मिलाकर, तो शायद उससे मैंने देखा था कहीं कि उससे हो जाता है, पता नहीं। नहीं उसके लिए वीवीए का फंक्शन हम लोग बनाते थे उससे होता था, या फिर 2019 के अंदर में ऑफिस 365 है तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता था, दो फॉर्मूले है टेक्स्ट ज्वाइन एंड कॉन्क्रीट, उससे हम कर सकते हैं या गूगल शीट कर सकते हैं। अगर हमारी दिक्कत है तो गूगल शीट पे आपको टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला मिल जाएगा, वहां से कर सकते हैं। ठीक है क्योंकि सर ये प्रॉब्लम रहती है जब पीडीएफ से मैं विंडो दोबारा से एक्सेल दोबारा से अपडेट किया हूं ना, एक इंस्टॉल किया हूं ऑफिस 365 लॉगिन किया है तो हो जाएगा, आ जाएगा सर। तो पीडीएफ पे प्रॉब्लम रहती है क्योंकि जब मैं कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह को कॉपी करता हूं ना और एक्सेल में उसके रेशियोस वगैरह बना रहा होता हूं तो उसमें फिर जो है ना प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो फिर पूरा मैन्युअली करना पड़ता है। हाँ तो उस टाइम तो अगर आपको दिक्कत है तो आप गूगल एक्सेस है आपके पास तो गूगल एक्सेस पे आप कर सकते हैं, इसमें गूगल शीट पे जाकर। जैसे कि आपको बताता हूँ ये रहा, इसी को ओपन विद गूगल शीट। ठीक है अब जैसे मान लीजिए कि मुझे इसमें एक लिस्ट मिला हुआ है, काफी ज्यादा लिस्ट है प्रोडक्ट की, ले लीजिए मुझे सब है तो कॉन्क्रीट एक एक करेगा। आप यहाँ पे फॉर्मूला है आपके पास टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन ऐसे एक्सेल में मिलता है सेम है। अब इसे बोलता है कि अभी तो सेपरेटर क्या रखना है तो डैश, ब्लैंक सेल को इंपट्टी करना है तो नहीं, मतलब कि ब्लैंक सेल को इग्नोर करना है कि नहीं करना है। और यहाँ पे आपका आ गया अपना टेक्स्ट सर। गूगल शीट पे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला है जो कि एक्सेल में नहीं है, एक्सेल में नहीं। सर अगर मान लो इसको हम ट्रांसपोज कर देते, अगर हॉरिजॉन्टल है ट्रांसपोज कर दे तब भी तो कॉन्कैटिनेट लग ही जाएगा। मान लीजिए कि आप अगर इसको ट्रांसपोज करते हैं, ये वर्टिकल है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल है। देखिए ट्रांसपोज करे चाहे कुछ भी करे, ये अलग अलग सेल में है ना सर। हाँ जी, तो कोलकाता नेट भी आप लग करेंगे, मान लीजिए कि अगर ये दो ही देख लीजिए तो कोलकाता नेट अगर हम लगाएंगे फॉर्मूला चाहे रो वाइज हो चाहे कॉलम वाइज हो, तो कोलकाता नेट में हमें एक एक सेल देना है, हम इस तरह से कॉलम थोड़ी सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर हम टास्क हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी हो हमें तो एक एक करके कॉमा करके सिलेक्ट करना है, तो बहुत मसला आ जाएगा सर, बहुत लंबा। हाँ तो टेक्स्ट ज्वाइन जो है यहाँ पे इस चीज को सिंपल कर देता है। क्योंकि सर मैं जर्मन में देख रहा था ना वो फर्केटन टेक्स्ट आ रहा था, यानी वो कॉन्क्रीट के साथ टेक्स्ट के साथ, तो आप सही कह रहे हैं फॉर्मूला आता है। कॉन्केट होगा, कॉन्केट नहीं होगा सर, कॉन्केट होगा, कॉन्केट कॉन्केट फॉर्मूला भी है, वो भी करता है। ये लोग जर्मन में इसको फर्केटन कहते हैं ना, कि वो चेन मिलाना, कॉन्केट फॉर्मूला है ना, इसको भी कर सकते हैं। तो कॉन्केट से 2019 में है, ऑफिस 365 में, ऑनलाइन भी चला सकता हूँ मैं यहाँ से। क्या कि मेरा लॉगिन एक्सपायर हो गया था तो मैं दोबारा डाउनलोड किया, सो ऑफिस 365 के फीचर्स अभी आए नहीं है सर, वो डाउनलोड जब अपडेट करूंगा ना तो अपडेट हो जाएगा पूरा। फीचर्स वही है, मैं यहाँ एक्सेल ओपन करता हूँ ना, ये
ऑनलाइन भी ऑफिस 365 का ये तो फायदा है कि ऑनलाइन भी इसको मैं चला सकता हूँ वेब वर्जन में, अच्छा सारे फीचर्स आएंगे जो वहाँ पर। ऑफिस टाइप को सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है ना सर, मंथली या एनुअली? हाँ, मंथली 495 रुपये का है सर, 420 प्लस टैक्स। फायदा है कि जो भी अपडेशन होगा वो अपने आप इस पे डाउनलोड हो जाएगा आपका सिस्टम में। तो इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट होती है कि विंडो क्या होना चाहिए? 2019 के लिए विंडो 8 होना, विंडो 10 होना चाहिए, विंडो 10 होना चाहिए। अच्छा, कॉनकेट का फॉर्मूला मैं लगाता हूँ, कॉनकेट इसको सेपरेशन नहीं होता, उसको डालना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं कॉन्केट के। हम अब इसमें एक दिक्कत और भी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं डेट लिखता हूँ, कॉन्केटा डेट आप लगा रहे हो चाहे कॉन्केटा टेक्सचर कुछ भी लगा रहे हैं, तो अगर मैंने ये इसमें इक्वल लाने की जरूरत नहीं फॉर्मूला सर, जै एक एक्सेल भी आता है वापस। तो यहां पे अगर मैं मान लीजिए कि डेट लिखा और यहाँ पे मैं आज का डेट रखता हूँ, अब मुझे इन दोनों के बीच को कंबाइन करना है, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और मैंने लिखा कि टू और इसको सेलेक्ट किया, ये नंबर आ रहा है। देखिए, जब भी आपका कॉन्केट फॉर्मूला चाहे जो भी फॉर्मूला आप लगाते हो, फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो आपके जो ए है मतलब कि सेल वैल्यू है उसका ओरिजिनल वैल्यू ही कंबाइन होता है, ठीक है ना, उसका वैल्यू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि ये जो डेटा है ये एक्चुअली में नंबर होता है, ठीक है, एक्चुअली में ये डेटा होता है हमारा डेटा जो है, डेट का डेटा जो होता है नंबर्स होता है, तो नंबर में आ जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो डेट फॉर्मूले को आप ऐसे मत दें, आप टेक्स्ट फॉर्मूले इस्तेमाल करें, टेक्स्ट जो कि मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग सिलेबस में बताया था, ठीक है सर। अब इसको आप कॉन्कैटेनेट फॉर्मूले से लगाए तो आप आपका फॉर्मूला सेम आएगा। देखिए, चाहे डेट हो या टाइम हो, जब आप दोनों को सेपरेट करोगे तो इसका ध्यान आप रखेंगे, ओके? कोई डाउट इसमें सर? तो चाहिए तो मतलब इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ये उससे कॉन्कैटेनेट से होगा ये फॉर्मूला से? जैसे कि नहीं, अभी आप आपके पास डेट कोई लिखा, जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी से आज का डेट को आपस में कंबाइन करना है, ठीक है, इसको कंबाइन करना है, तो अगर आप नॉर्मल लगाते हैं कॉन्कैटेनेट उससे लगाएंगे तो ये आपका ज्वाइन तो होगा लेकिन विजुअल होगा नंबर, जैसे 48 831। हाँ जी, समझिए। तो उस केस में आप जो है इस डेट को टेक्स्ट फॉर्मूले में ले और जो आपको फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट इस तरह से डालें, कैसे टेक्स्ट के फॉर्मेट के चाहिए, ठीक है, ठीक है, और फिर इसको आपस में कंबाइन करें, ओके। अब फिर इसमें हम लगाता हूं एंड और देता हूं यहां पे जो भी देना है, डैश देना है या टू देना है, जो भी आप सेपरेटेड देना है आपको सेपरेटेड डाल दें, फिर वापस दूसरे डेट को भी टेक्स्ट में डाल। ठीक है, समझ में आया आपको? जी जी विदाउट इसमें जी सर, क्लियर है। इस तरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं।